नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी सुप्रीमो आज चारा घोटाले के एक मामले में पटना की सीबीआई की विशेष न्यायालय में पेश हुए। जी हां, पेशी हुई और अब उन्हें आगे पेशी में छूट मिल गई है। दरअसल लालू यादव ने गुहार लगाई थी जज साहब के सामने कि उन्हें पेशी से छूट दी जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो जज साहब ने यह मान लिया। उसके बाद जब लालू यादव बाहर आए तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हालांकि इस बीच लालू यादव कोर्ट के पास ही मौजूद जो सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल है, जो पटना का काफी फेमस स्कूल है, वहां पहुंच गए। स्कूल में पहुंच गए और स्कूल में सिस्टर्स और मैडम थी, उनके बीच पहुंचे, वहां पर चाय पानी पिया उन्होंने और नाश्ता भी किया। जी हाँ, तो सेंट जोसेफ की ये तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से लालू यादव जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं, बेबाक अंदाज के लिए, हालांकि उनकी तबीयत नासाज है और उनके चेहरे और उनके बॉडी लैंग्वेज से ही देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि लालू यादव की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। बार बार खबरें भी आ रही हैं कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, इस तरह की खबरें आती रही हैं। इस बीच कोर्ट में पेशी के बाद आज लालू यादव का वो पुराना अंदाज दिखा, जब बेलौस अंदाज में वो कहीं पहुंच जाते थे, तो आज जब वो पहुंचे सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल में, तो वहां का आसपास के जो लोग रहने वाले हैं, दरअसल आसपास कई सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो वहां के लोग भी लालू यादव की एक झलक पाने के लिए बेताब हो उठे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल जब लालू यादव पहुंचे, उसके बाद वहां उन्होंने चाय नाश्ता भी किया। इस दौरान जो है आसपास के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं आसपास की झुग्गी में रहने वाले लोगों ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू यादव ने उन्हें निराश नहीं किया, वो चाहते थे लालू यादव से मिलना और लालू यादव उनके बीच भी पहुंच गए। स्कूल से बाहर निकल, आप देख सकते हैं नेता कैसा हो, लालू प्रसाद यादव लाइव तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सिविल क्वेश्चन करने के बाद एक एक्सेंस मैनी किंडर स्कूल में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने शिक्षक से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात की, कई अन्य लोग भी आए, उन लोग से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद लालू प्रसाद यादव अब यहाँ से सीधे निकल रहे हैं। जी हाँ, तो लालू यादव का ये अंदाज फिर से देखने को मिला आज जब कोर्ट में पेशी के बाद वो निकले कोर्ट से और सीधे चले गए सेंट जोसेफ हाई स्कूल, जो कोर्ट के पास ही मौजूद है, और वहां पर जो झुग्गियां हैं उनके लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि लालू यादव हमारे मसीहा हैं। तो जो लोग मिलने वाले थे वो लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि लालू यादव हमारे मसीहा हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलकर फंसाने का काम किया है, यानी बिहार के सीएम और देश के पीएम ने मिलकर उन्हें फंसाया है, ऐसा लोगों का कहना है। ये लालू यादव के चाहने वाले थे, लालू यादव के फैंस थे और उन्होंने कहा है कि लालू जी जल्द स्वस्थ हो, हम इसकी कामना करते हैं, और लोग जो है उन्हें फंसा रहे हैं, लालू यादव बीमार हैं, उन्हें बख्श दे, ये कह रहे थे लोग। उनके समर्थक लालू यादव की एक झलक पाने के लिए बेताब थे झुग्गी झोपड़ी के लोग। तो आपको बताएं कि जिस तरह से आज पेशी हुई है लालू यादव की कोर्ट में, दरअसल कोर्ट की तरफ से सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, लालू यादव ने उसका पालन करते हुए कोर्ट में वो पहुंचे और उन्होंने जज साहब से आगे के लिए छुट्टी मांग ली है। दरअसल अब लालू यादव के वकील पेश होंगे, ये लालू यादव ने कोर्ट से सुनिश्चित करा लिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।